तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या एक, प्रश्न संख्या दो को देख लिया है। यदि आप सभी ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए। उसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग तीन पर आ गए हैं। प्रश्न संख्या तीन कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। यदि हम √5 की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो 2.2360 ये होता है। अब ये जो संख्या है वो दशमलव में दी हुई है, और जितनी भी संख्याएं जो संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्ण में होती है। वो सभी संख्याएं जो है वो पूर्णांक में दी हुई थी, यानी ये संख्याएं दशमलव में नहीं होती। तो इस दशमलव वाली संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो उसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय किस पर लागू होता है, सब कुछ जानेंगे। बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, क्योंकि इस वीडियो का टाइटल है बिल्कुल बेसिक से। बिल्कुल बेसिक से आप लोग जानिएगा, यहाँ तक कि आप लोगों को संख्या रेखा पर ही नहीं पता होगा तो फिर भी इस वीडियो में मैं संख्या रेखा के भी बारे में बताऊँगा। तो बिल्कुल आप लोग समझिए इसे कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है √5। हम लोग पहले जान ले पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में यदि एक समकोण त्रिभुज दिया गया हो, और समकोण त्रिभुज कैसे होगा, यहाँ पे 1 डिग्री, एक जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज में यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं लंब, खड़ा डंडा। जो भी लेटा हुआ होता है उसको बोलते हैं कर्ण, और जो पड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं आधार। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय, इसका जो सूत्र होता है वो कहता है कि यदि कर्ण हमें ज्ञात करना है, जो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। जो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे, इस यहाँ पे पूछेगा कि कर्ण के वर्ग की आवश्यकता ही क्यों है, क्योंकि इस प्रश्न में हमें √5 की वैल्यू चाहिए, और √5 की लंबाई कितनी होगी उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इस प्रमेय को याद रखने की आवश्यकता है। तो ये था पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस प्रश्न को हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब यहाँ पे दिया हुआ है √5, तो सबसे पहले आप लोगों को स्केल ले लेना है, और स्केल से बिल्कुल आसानी से आप लोगों को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो यहाँ पे नीचे मैं कर लेता हूँ ताकि आप लोग आसानी से नज़र आ जाए। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, और स्केल की सहायता से यहाँ पे जो संख्या निरूपित करनी है वो 1-1 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे जो दूरी होगी आप लोग 1-1 सेंटीमीटर की मान के कीजिएगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा मार रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे समझाना है। 1 सेंटीमीटर का एक लिए, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर का लेंगे, या फिर 2 लिख देंगे, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर का लेंगे, 3 लिख देंगे, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर का लेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, ये हो गया। इसी तरह इधर धन दर्शा देंगे, इधर की संख्या ऋणात्मक में होती है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से है बच्चे, आप लोगों को ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी, बस आप लोगों को ऐसे ही समझते जाना है। अब देखिए, हमने अभी जो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा उसमें क्या क्या चीज, क्या क्या हम लोग को चाहिए था। सबसे पहले चाहिए था आधार, ठीक, फिर चाहिए था लंब, और फिर हम लोग कर्ण। ठीक है, तो इसी प्रमेय, इसी जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसमें हम लोग यहाँ पे आधार, जो आधार क्या होता है, नीचे में, और नीचे में हम लोग कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से मान लेते हैं 2, 2, 0, 1 और 2, 2 कितना हो गया, आधार हो गया 2, यहाँ से 2 मान लिया। लंब, और लंब लंब जो हम लोग यहाँ पे डालेंगे उसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से आप लोगों को 1 सेंटीमीटर का लंब मान लेना है। ठीक है बच्चे, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये चीज़ें, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का आप लोगों को लंब मान लेना है।
बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, जब इन यहाँ पे जो है, यदि हम इस शीर्ष को यहाँ से मिला दें तो ये कौन सा कोण हो गया? समकोण हो गया। और समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस पर में लगा देते हैं। अब क्या कैसे लगाएंगे? यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी हो गई? एक। ठीक है, अब जो यहाँ पे आधार हमें पता है और कर्ण, आधार भी पता है, लंब भी पता है, तो कर्ण की वैल्यू हम लोग नहीं याद कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। कैसे? हमने अभी पढ़ा जो कर्ण होता है, कर्ण क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर और लंब के आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण तो हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, और आधार कितना लिए हम लोग? दो। तो दो करेंगे और दो का भी वर्ग करेंगे। फिर यहाँ पे इसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे कितना है लंब? लंब कितने डाले हैं? एक। तो एक लिखेंगे और एक का भी वर्ग कर देंगे। बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे कर्ण का कर्ण लिखेंगे और इसका वर्ग है तो वर्ग लिख देंगे। दो का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? चार। अब स्क्वायर क्या होता है बच्चे? देखिए, स्क्वायर होता है कि दो को दो बार गुना करना, दो दूनी चार, तीन का स्क्वायर बोलेगा तीन का वर्ग, तो तीन को भी दो बार गुना करना नौ, चार का स्क्वायर बोलेगा चार को चार बार गुना करना 16, ये होता है स्क्वायर। तो दो को दो बार गुना करेंगे तो चार आएगा और एक को एक बार गुना करेंगे तो एक आएगा। यहाँ पे वर्ग था तो वर्ग होगा। अब देखिए, यहाँ पे कर्ण का वर्ग हो जाएगा चार और एक पाँच, ये हो गया पाँच, पाँच हो गया, ये सब दोनों को जोड़ेंगे तो पाँच हो गया। अब देखिए, यहाँ पे कर्ण जो होगा वो क्या होगा? ये जो इसमें वर्ग था, वर्ग को इधर लेके आएंगे बराबर के इधर, तो वर्ग इसके ऊपर चढ़ जाएगा रूट में। तो ये क्या आ गई? रूट पाँच की वैल्यू हम लोग को आ गई। जो इस कर्ण की लंबाई आई वो कितनी आई बच्चे? रूट पाँच। और यही तो हम लोग को ज्ञात करना था, बस इतना ही तक आप लोगों को ज्ञात करना है इस प्रश्न में। रूट पाँच की वैल्यू आ गई। अब रूट पाँच की वैल्यू से हम लोग इस संख्या रेखा को निरूपित कर सकते हैं। आप लोगों को एक प्रकार लेना है, प्रकार में पेंसिल लगा लीजिएगा और प्रकार का नोट यहाँ पे रखिएगा, ठीक है? और पेंसिल का जो मुंह रहेगा यहाँ पे रखिएगा, और यहाँ से आप लोग जहाँ पे भी गोल कीजिएगा वो किसकी लंबाई होगी? रूट पाँच की लंबाई होगी। तो यहाँ से आप लोग कट कीजिएगा तो यहाँ पे समथिंग ये कुछ यहाँ पे कटेगा। आप लोग प्रकार से इसको नापी कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आया? रूट पाँच। इसे एक हम लोग पी बिंदु मान लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे पी बिंदु रूट पाँच को दर्शा रहा है। क्लियर बच्चे? बिल्कुल आसानी से किए। और यहाँ पे कर्ण कितना आया था? रूट पाँच। इसे हम लोग लिख देते हैं। नहीं समझ में आया हो तो फिर से समझा देता हूँ। देखिए, हमें दिया था, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट पाँच को कैसे निरूपित किया जा सकता है। बच्चे, इस वीडियो को देखने के बाद संख्या रेखा पर रूट पाँच, रूट दो, रूट तीन किस प्रकार दर्शाना है, आप लोगों को इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, बस आप लोगों को वीडियो देखना है। देखिए यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे संख्या रेखा पे बनाई एक दो तीन माना, जिसमें से हम लोग आधार दो मान लिए और इसका जो लंब एक मान लिए। और हमने अभी देखा पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। इसे हम लोग सॉल्व किए तो आया रूट पाँच। और रूट पाँच को यहाँ से हमने प्रकार रखा यहाँ पेंसिल, और यहाँ से कट करके हम लोगों ने यहाँ कट कर दिया, और यह संख्या रेखा पर रूट पाँच को दर्शा रहा है, ठीक है? चलिए, इससे जुड़ा हम लोग एक और प्रश्न करते हैं। बताइए वीडियो आप लोगों को अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो आप लोग उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए, अगला यहाँ पे ले लेते हैं, रूट पाँच की जगह रूट दो ले लेते हैं, ठीक है? रूट दो को किस प्रकार दर्शाएंगे? इसी प्रकार रूट दो को दर्शाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, कोई नहीं, चलिए फिर से देखते हैं। यहाँ पे एक तो लाइन लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और लाइन ड्रॉ के बाद यहाँ पे शून्य मान लेते हैं, फिर एक। यहाँ पे जो लंबाई लेनी है आप लोगों को, एक एक सेंटीमीटर, बार बार कह रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे लंबाई एक एक सेंटीमीटर की लेनी है। फिर से यहाँ पे एक,
दो और यहाँ पे तीन, ये आ गई इसकी लंबाई। फिर इधर भी ले लेते हैं, -1 -2 और -3। अब देखिए उसमें आधार हम लोग माने थे दो, अब इसमें हम लोग आधार मानेंगे एक, एक आधार मानते हैं। आधार हमने कितना माना, एक माना, और जो लंब डालेंगे उसमें वो लंब की भी जो ऊंचाई होगी वो 1 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ से एक और यहाँ से भी एक, नज़र आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब इसको हम दोनों को मिला देंगे तो कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पे फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग होता का स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर होगा, आधार कितना दिया, अब एक का वर्ग और एक का वर्ग, कर्ण का वर्ग जो हो जाएगा फिर कितना होगा, एक का वर्ग और एक एक कितना होगा, दो। और जब हम लोग कर्ण का इधर जो वर्ग है, ये जो वर्ग दिया उसे हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, और रूट दो की वैल्यू आ गई। फिर से आप लोग को यहाँ पे प्रकार रखना है और यहाँ पे आप लोगों को कट कर देना है, तो रूट दो पी, और पी बिंदु रूट दो को दर्शा रहा है। देखिए बच्चे कितने जल्दी हमने इस प्रश्न को किया, लेट लगा कुछ भी इसमें लेट नहीं लगा, बस आप लोगों को समझना है। और इस वीडियो का, इस क्लासेस का टारगेट ही है कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक समझाना। बताइए आप लोगों को कुछ अभी तक समझ में आया? एक और प्रश्न ले लें, एक और प्रश्न ले लेते हैं और उस प्रश्न को भी इसी तरीके से करते हैं। अच्छा इस प्रश्न को मैं होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी अपने से तो प्रैक्टिस करनी है। इस प्रश्न को आप लोग घर में एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप लोगों को इस प्रश्न में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस प्रश्न को फिर बोर्ड में करवा दूंगा। अब हम लोग आगे प्रश्नावली 1.3 की ओर पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आप सभी को सभी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, तो धन्यवाद।